हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जहां पर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मैं सॉफ्टी मशीन खरीदना चाहता हूं, मैं कौन सी खरीदूं, और मैं सॉफ्टी मशीन को फूड ट्रक में लगाना चाहता हूं, छोटे हाथी में लगाना चाहता हूं, क्या मैं छोटे हाथी में लगा सकता हूं या नहीं लगाऊं, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका जो लाखों का नुकसान है ना, डेफिनेटली वो बच सकता है। बस रिक्वेस्ट एक ही करूंगा, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएं, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं सीधा आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियरली आपको बता दूं, ये वीडियो किसी कंपनी का स्पॉन्सर नहीं है, और मैं आपको यहाँ पर अपने कुछ रिव्यूज़ देने वाला हूँ, अपने कुछ ओपिनियन देने वाला हूँ जो कि मैंने खुद फेस किए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है मेरा आइसक्रीम का ट्रक था जिसमें मैंने छोटे हाथी में सॉफ्टी मशीन खुद लगाई थी। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने बिजनेस के इनिशियल स्टेज में, बिजनेस के शुरुआती दौर में कुछ गलतियाँ करते हैं, एंड हम अपनी प्रॉब्लम से, अपनी मिस्टेक से कुछ सीखते हैं। सो जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जेन्युइन बातें होंगी, और आप उसको सीखकर जो मेरा नुकसान हुआ या जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो आपके साथ ना हो, मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैंने छोटा हाथी खरीदा था, उसमें मैंने सॉफ्टी मशीन लगाई थी, एंड जो सॉफ्टी मशीन थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो मितोरा कंपनी की थी, जिसकी सॉफ्टी मशीन घटिया थी, बेकार थी, और वो चलने के साथ ही नौ दस महीने के बाद ही खराब हो गई, और वो भी पूरे कंटिन्यू 9 महीने नहीं चली थी क्योंकि बीच में लॉकडाउन आ गया था। तो 2-2.5 महीने के ऑपरेशन के बाद ही वो मशीन का जो कंप्रेशर वो डाउन हो गया, एंड फिर 17-18 हज़ार के आसपास का कंप्रेशर मैंने डलवाया था, जो कि मुश्किल हो गई और बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे। सो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो मितोरा की कंपनी खराब है या कंपनी की मशीन्स खराब होती हैं या सारी मशीन्स खराब होगी, हो सकता है मेरी किस्मत खराब हो इसलिए मेरे को खराब मशीन मिली, बट मैं आपको ये भी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप मितोरा की मशीन ले लो। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं नाम, मैं उन कंपनीज को भी जानता हूँ, उनके काम को भी जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एडवाइस इसलिए नहीं करूँगा कि आप उन कंपनीज से ले लो, क्योंकि मुझे उन कंपनीज का आइडिया एक्चुअल में नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपको सलाह ये देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई इंडिया की कंपनी खरीद रहे हो, मतलब पहली बात तो ये कि इंडिया में मैक्सिमम जो आइसक्रीम मशीन होती हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं या तो चाइना से या थाईलैंड से या ताइवान से। क्लियर समझ लो, चाइना, थाईलैंड या ताइवान से मशीन्स आती हैं वाइट लेबल में, और यहाँ पर कंपनीज अपनी ब्रांडिंग करके उसको बेचती है। तो यहाँ पर जो आपको ये बोलते हैं ना कि भैया हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ मशीन को असेंबल करते हैं यहाँ पर लाकर और उसको बेचते हैं अपने ब्रांडिंग के साथ। बट फिर भी अगर आप चाहो तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पर असेंबलिंग यूनिट है, वहाँ पर आप जाओ, और जाने के बाद आपको क्या करना है, आप बस मशीन को चेक करो, बनाकर देखो, और उसके बाद अगर आपको उनका व्यवहार समझ में आता है तो आप उनसे मशीन खरीद सकते हो। बट मशीन खरीदने से पहले मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि आप अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा रहे हो तो आप वहाँ पर होटल ले लो उनकी सिटी में, और सुबह उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चले जाओ और शाम तक वहाँ पर रहो। 2-3 लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने मशीन खरीदी है या कोई कंप्लेंट लेकर आया या कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखो, क्लाइंट से बात करो, ऑनर से बात करने के साथ साथ क्लाइंट से बात करो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि ये कंपनी आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसी देने वाली है, आफ्टर सेल सपोर्ट कंपनी का किस तरीके का होने वाला है। देखिए, मशीन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि मशीन सबकी इंपोर्टेड है, सबने उसी वही कंप्रेशर मशीन में लगा हुआ है, कंप्रेशर में जो गैस है वो भी एक तरीके की है, बट यहाँ पर आपके बिजनेस में जो आगे काम आने वाली है वो है आफ्टर सेल सपोर्ट, कि मशीन बेचने के बाद कंपनी का व्यवहार कैसा है, कंपनी किस तरीके से सपोर्ट आपको कर रही है। अगर वो कंपनी का सपोर्ट अच्छा है तो आप उनसे मशीन खरीद सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि आप अगर अच्छी मशीन लेना चाहते हो, हाई एंड मशीन लेना चाहते हो जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, तो हैवी, तो आप टेलर की मशीन ले सकते हो। टेलर की बहुत सारी मशीन आती है, टेलर C706 आती है और टेलर 301 आती है, अलग अलग मॉडल है, कोई सिंगल फ्लेवर में आती है, कोई डबल फ्लेवर में, ट्रिपल फ्लेवर में आती है। सो ये जो मशीन है ना भाई, ये हैवी मशीन है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं, जैसे पहले मैकडोनल्ड्स में भी यूज़ होती थी, या फिर बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पर भी ये मशीन यूज़ होती है, टेलर की मशीन आपने एयरपोर्ट्स में भी देखी होगी। अब मैं आपको छोटी सी एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप गोल्डन टेम्पल कभी विजिट करते हैं तो आपके दिमाग में मैं चीज़ डाल रहा हूँ, टेलर नाम रट लो, टेलर दिमाग में ले आओ, मैं मशीन भी यहाँ पर साइड में लगा दे रहा हूँ आपको ना। गोल्डन टेम्पल में देखिए ना कितनी भीड़ है भाई, वहाँ पर कोई चिंदी मशीन नहीं चल सकती, कोई भी जो छोटी मशीन होती है वो नहीं चल सकती, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, भीड़ एक साथ होती है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, और अगर कोई और छोटी मोटी मशीन होगी ना तो वो 5-6 कोन निकालने के बाद, थोड़ी सी आइसक्रीम निकालने के बाद मेल्टेड आने लगती है, दूध आने लगता है, लेकिन जो टेलर की मशीन होती है उसको कंटिन्यू आप चलाते रहो,
भाई साहब नॉन स्टॉप ऑपरेशन है इस मशीन के, बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू मशीन को यूज़ करते हो, उसके बाद मेल्टेड संडे आ सकता है, वो भी आपको सिर्फ 5 मिनट रुकना पड़ेगा, मशीन कट ऑफ होगी और फिर आप कंटिन्यू रन पे मशीन को चला सकते हो, मतलब हैवी ऑपरेटेड मशीन है भाई ये, तो ये मशीन आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप कोई भी छोटी मशीन लेकर अपने काम को शुरू करो, जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगे फिर आप टेलर की मशीन ले सकते हो, बट आपको लेनी पंप मॉडल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये जो आइसक्रीम मशीन है इसको गाड़ी में लगाना सही है या नहीं, तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप भैया गाड़ी में लगाओ आइसक्रीम की जो मशीन्स होती हैं उसको। इसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं, सबसे पहला कि भैया आपको ना जब मशीन आप गाड़ी में लगाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंपलसरी है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपकी सॉफ्टी मशीन नहीं चल सकती। आज की डेट में लेटेस्ट मॉडल की जो मशीन आई है वो कहते हैं कि भैया आपकी ये इन्वर्टर पे चल जाएंगी, बट भाई वो 3 से 4 घंटे के ज़्यादा नहीं चलती हैं, और वो भी बहुत बहुत ही लो क्वालिटी की मशीन होती है जो भाई इन्वर्टर पे चल पाती हैं, ना ही वो अच्छी तरीके की कूलिंग करती हैं, ना ही वो अच्छे तरीके की आइसक्रीम जमाती हैं, मतलब वो हाई एंड का ऑपरेशन कर ही नहीं सकती। इन्वर्टर से पावर मिल रही है उसको, कितना ही हाई एंड ऑपरेशन होगा उस मशीन का, तो सिंपल कंप्रेशर होते हैं, लो क्वालिटी कंप्रेशर होते हैं, हैवी कंप्रेशर उसमें नहीं होते हैं। सो मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आपको इन्वर्टर मशीन लेनी चाहिए और फूड ट्रक में लगानी चाहिए, क्योंकि फिर इन्वर्टर डाउन हो गया तो फिर आप क्या करोगे, 4 घंटे के बाद आप कैसे मशीन को ऑपरेट करोगे, तो प्रॉब्लम होगी आपको। और दूसरी बात, आप पजल होगे, और अगर आपकी वो बिजली से भी चला रहे हो आप मशीन को, सो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि फूड ट्रक में आपने मशीन लगा दी और आप कहीं भी ले जा सकते हो, ये खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं भी आप ले जाकर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो सॉफ्टी मशीन होती है ना, इसके लिए हैवी वोल्टेज चाहिए होता है, हैवी लाइन चाहिए होती है, मतलब अच्छा बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है। तो अगर कहीं पर कनेक्शन प्रॉब्लम है या थोड़े से वोल्टेज फ्लक्चुएट हैं तो वहाँ पर ये मशीन नहीं चलती। तो इसलिए आप एक पर्टिकुलर शॉप लो जहाँ पर आप अच्छा इन्वर्टर लगाओ मशीन के साथ में, ताकि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उसको मैनेज कर सके और आपकी सॉफ्टी मशीन आराम के साथ में ऑपरेट हो सके। सो फूड ट्रक में लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको फूड ट्रक में आइसक्रीम रखनी है तो आप पैक्ड आइसक्रीम रख सकते हो, या फिर आप गैलन रख सकते हो और स्कूप में सेल कर सकते हो। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, ताकि, और ये ना छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाखों रुपए लगाकर सब पहले सॉफ्टी मशीन खरीदी, ट्रक खरीदा, उसको डेवलप करने के बाद फिर आपने उसमें लगाया, और उसके बाद आप उससे अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता उतना पैसा बर्बाद करने का। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया क्या हम जनरेटर से चला लें, तो अगर आप सॉफ्टी मशीन को जनरेटर से ऑपरेट करते हैं तो आपका जो डीजल का, पेट्रोल का, अगर आपका जनरेटर डीजल ऑपरेटेड है या पेट्रोल ऑपरेटेड है, आपका बहुत खर्चा आएगा भाई। आप कभी 9 घंटे या 10 घंटे का जो ऑपरेशन है उसमें कैलकुलेट कर लेना कि आपका पेट्रोल की कितनी खपत होने वाली है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पेट्रोल से इस मशीन को चलाने में बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ये मशीन कुछ टाइम के बाद कट ऑफ हो जाती है, मतलब आइसक्रीम जमा ली इस मशीन ने फिर कट हो जाती है ये मशीन, फिर ये बिजली का कंजप्शन नहीं करती। तो यहाँ पर अगर आप बिजली से चलाते हो तो आपकी जो रीडिंग है ना वो कम आती है, बट जनरेटर से अगर आप चला रहे हो तो जनरेटर को आप ऑफ नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। मशीन तो ऑफ होगी लेकिन आपका जनरेटर ऑफ नहीं होगा और पेट्रोल की खपत होती रहेगी, सो यहाँ पर आपका नुकसान है। तो कंटिन्यू 9 घंटे आपका जो जनरेटर है वो चल रहा है और मशीन बीच बीच में कट ऑफ हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप बिजली से चलाते हो तो आपका यहाँ पर बजट, मतलब फ़ायदा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आता है, मशीन भी रेस्ट करती रहती है बीच बीच में और आपका काम चलता रहता है। सो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।